हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए दो डार्क हॉर्स स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 12 महीने इसमें पोजीशन बना के रख सकते हो। इसमें रिस्क रहेगा वो 10 से 15% के बीच में रहेगा, लेकिन जब रिवॉर्ड मिलेगा वो 1x 2x का भी रिवॉर्ड हो सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट के ऊपर मोमेंटम स्टॉक होते हैं, तो आराम से 1 साल में डबल होने के बहुत हाई चांस होते हैं। अगर डबल नहीं होते तो भी 30-40% तो आपको रिटर्न एवरेज दे ही देंगे। तो दो डाको स्टॉक बताऊंगा, उससे पहले जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं और अभी अभी तक जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हर रोज स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो देता हूँ और सेटअप भी बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में सेटअप कौन सा है, और बहुत अच्छे से काम करता है। और अभी मैंने 50 ट्रेड्स चैलेंज एक चालू किया है, उसमें मैं क्या करूंगा, 50 ट्रेड आपको एक्सेल शीट के ऊपर दिखाऊंगा, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे 50 ट्रेड दिखाऊंगा, और उसमें अपने फिक्स रखेंगे, 2,000 का लॉस आएगा, 6,000 का प्रॉफिट आएगा, तो प्लस माइनस करके अपने 50 ट्रेड के बाद देखेंगे कि अपना स्ट्रेटेजी सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें मेन पॉइंट यही है कि इसमें एक्यूरेसी 50% ही है, 50-60% एक्यूरेसी है, तो भी अपने प्रॉफिट में रह सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, यानी जब आपका लॉस होगा तो 2,000 का ही लॉस होगा, लेकिन जब रिवॉर्ड मिलेगा तो वो 6,000 का मिलेगा, यानी कि समझो आप 10 ट्रेड में से आपके 5 भी सही हो जाते हैं, चलो 6 गलत होते, 4 सही होते, तो 6 में आपको लॉस आएगा तो कितना आएगा, 2,000 के हिसाब से 12,000 का लॉस आएगा, लेकिन सामने आपके 4 ट्रेड सही हो जाएंगे तो 6 पर ट्रेड 6,000 का प्रॉफिट होगा, यानी कि कितना हुआ, 24,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप ओवरऑल प्लस माइनस करोगे तो प्रॉफिट में ही रहोगे। तो मैं आपको 50 ट्रेड करके बताऊंगा, और ट्विटर पे आप देख सकते हो, ट्विटर पे मैं डालता हूँ पहले नंबर ट्रेड, सेकंड, थर्ड, ऐसे डालता रहता है, तो ट्विटर को फॉलो करना, क्योंकि ये जो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर होता है वो लाइव मार्केट में होता है। तो अभी लाइव मार्केट में कोई ट्रेड मिलेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, इसको पोस्ट करूंगा, तब तक तो अपना सिग्नल चला जाता है। इसीलिए आपको अगर रेगुलरली ट्रेडिंग करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, और इसमें पोजीशन ज्यादा होती नहीं है, एक दिन में तो टारगेट आ ही जाता है, अगर नहीं आता तो दूसरे दिन तो आराम से टारगेट अचीव हो ही जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर अच्छे से स्ट्रेटेजी काम करती है। तो आप ये वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, ये पहला वीडियो ट्रेड नंबर 1 का पहला वीडियो है, इसमें पूरी स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है, कौन से डेली चार्ट आवरली चार्ट में कैसे यूज करते हैं, कौन से इंडिकेटर यूज करते हैं, तो आप ये जाके वीडियो देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेटअप कैसे काम करता है। तो अभी अपने टोटल 3 ट्रेड हुए हैं, तो इसका वीडियो भी मैं तीसरे का बाकी है, ट्रेड टूर का डाला हुआ ही है, तो ये मैं डाल दूंगा। तो अभी अपने टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डाकोस के ऊपर जाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का पूरा अलग कॉन्सेप्ट है और ये वाला जो है वो अलग है, तो आप ये दोनों को मिक्स मत करो। ये डाकोस होता है वो 3 से 12 महीने के लिए पोर्टफोलियो के लिए और वीकली चार्ट के ऊपर होता है, जब ये स्विंग ट्रेडिंग है वो पूरा अलग सेटअप है और उसका टाइम पीरियड भी अलग है, वो 3 से 12 महीने और तो 1 से 2 दिन का ही है, तो ये दोनों अलग अलग है। तो आपको जो मतलब आपका अगर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डाकोस भी ले सकते हो, पोर्टफोलियो में दोनों अच्छे से ही रिजल्ट आपको देंगे। तो पहले स्टॉक का नाम मैं बता देता हूँ गाइज, पहला स्टॉक का नाम रहेगा एम्फोसिस। एम्फोसिस आप अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हो 3 से 12 महीने में, अगर आप सोच रहे हो पोजीशन बनाने का, तो सबसे बढ़िया स्टॉक है एम्फोसिस। एम्फोसिस आप बाय कर सकते हो। एनालिसिस डेट है 26 मार्च 2022 और वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस है, आप देख सकते हो गाइज। अभी मैं रात को 12 बजे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मतलब अभी 8 बजे से सर्च कर रहा था, तब जाके मेरे को दो वीडियो मिले, दो स्टॉक मिले। नॉर्मली अपने क्या करते हैं, 3 स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, लेकिन 3 स्टॉक मेरे को मिल ही नहीं पा रहे थे, तो 2 के ऊपर ही मिले तो उसके ऊपर वीडियो बना रहा। तो गाइज इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप लाइक बहुत कम करते हो, तो प्लीज लाइक करो और कॉमेंट करके भी मेरे को मोटिवेट कर सकते हो, तो उससे मेरे को और भी कुछ वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहेगा। क्योंकि अगर वीडियो इतने मेहनत करता है, 4 से 5 घंटा लगता है एक वीडियो में, और उसमें मतलब पचास व्यूज भी नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता गाइज, फिर मेरे को पता नहीं चलता आपको एक पता मतलब अच्छा लगता है कि नहीं लगता। इसीलिए गाइज आप वीडियो को एटलीस्ट लाइक तो कर सकते हो और वीडियो को शेयर करोगे तो सबसे अच्छा रहेगा। तो पहला स्टॉक का नाम रहेगा एम्फोसिस। आप एनालिसिस डेट 26 मार्च 2022 से पहला रीजन है ट्राइंगल ब्रेकआउट। ट्राइंगल कैसे बना, तो आप देखोगे तो ये स्टॉक क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और ऊपर से थोड़ा 3-4 महीने से क्या कर रहा था, नीचे आ रहा था, और उसका फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर जा गया है और अभी ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो पहले ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो गया। दूसरा रीजन है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कैसे पता चलेगा, यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट मिला हुआ है और यहाँ पे भी बैक टू बैक 3-4 वीक से सपोर्ट ले रहा है और उसके ऊपर ये भी ट्रेड कर रहा है।
तो दूसरा रीजन हो गया। और गुड वॉल्यूम एट सपोर्ट, गुड वॉल्यूम एट सपोर्ट यानी कि क्या हो गया, आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल को सपोर्ट लिया है और वो कैंडल का आप वॉल्यूम देखोगे तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहीं पे है, यानी जिसने भी स्मार्ट मनी ने यहाँ पे ये एरिया में पैसे डाले मतलब बाय किया हुआ है अच्छी अमाउंट के साथ, तो वो स्टॉक को नीचे नहीं आने देता। अगर नीचे भी आता है तो वो क्या करते हैं और अमाउंट डाल के स्टॉक को ऊपर ही लेके जाते हैं, तो बहुत हाई चांस हो जाता है ऐसे स्टॉक में नीचे सपोर्ट ब्रेक करना बहुत कम होता है, यानी कि 20% चांस है नीचे आने का और 80% चांस है ऊपर जाने का। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो, बहुत हाई चांस है स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो अभी आपको बाय करना है सीएमपी पे, बाय करना है स्टॉक, एम्फोसिस स्टॉक है, सीएमपी पे बाय करना है। अभी कितना चल रहा है, 3280 जितना चल रहा है, बाय कर सकते हो, 6560 का टारगेट आ सकता है, यानी कि यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है 3 से 12 महीने में, लेकिन आपको स्टॉप लॉस का रूल्स फॉलो करना पड़ेगा और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल भी करना पड़ेगा। तो एसएल एग्जिटिव वीकली क्लोज बिलो 2840, 2840 यानी कि ये एरिया जो बार बार सपोर्ट ले रहा है दो तीन बार, तो उसके नीचे अगर वीकली क्लोज देता है तो आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हो। तो इसमें रिस्क कितना रहेगा, 14% का रिस्क रहेगा, रिवॉर्ड 100% का रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड 1:7 का रहेगा। और इसमें टाइम पीरियड कितना रहेगा, सॉरी 1 से 3 महीना नहीं है गाइज, ये थोड़ा आप गलती की वजह से हो गया है, 1 से 3 महीने नहीं, आप देख सकते हो इसमें, मैं आपको बता दूं 3 से 12 महीने आएगा, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप ये ध्यान में लेके चल सकते हो, यहाँ पे आएगा 3 से 12 मंथ्स। तो ये पहला स्टॉक हो गया अपना एम्फोसिस, उसको आप बाय करके अपने पोजीशन बना के रख सकते हो और स्टॉप लॉस फॉलो करना रहेगा। अभी मैं दूसरा स्टॉक बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है टाइम केन। टाइम केन को भी आप बाय कर सकते हो, 26 मार्च 2022 वीकली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। पहला रीजन बाय करने का कौन सा है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट, यानी स्टॉक ने आप देखोगे तो ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया नीचे आया, अभी फाइनली ब्रेकआउट देके ऊपर गया और अभी रिटेस्ट करने यहाँ पे आया और यहाँ पे क्लोज दिया है। तो इसका ये मतलब क्या हो सकता है, नॉर्मली कोई भी स्टॉक ब्रेकआउट देता है फिर वो रिटेस्ट करने आता है, फिर वहां से 1-2 वीक मतलब 1-2 कैंडल साइडवेज बना के फिर से ऊपर चला जाता है। पहला रीजन ये हो गया कि स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। दूसरा रीजन कौन सा है, उसका ट्रेंड लाइन विल सपोर्ट। ट्रेंड लाइन अभी सपोर्ट में नहीं है लेकिन आप इस स्टॉक को अभी बाय कर सकते हो, उसके पीछे का रीजन देखो, स्टॉक का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा है, यहाँ पे सपोर्ट है यहाँ पे भी सपोर्ट है, अगर स्टॉक समझो यहाँ से थोड़ा भी नीचे भी आता है तो उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा और फिर से वो ऊपर चला जाएगा। तो दो रीजन है स्टॉक बाय करने के, आप इसको बाय कर सकते हो, क्योंकि पहला रीजन यही है कि उसका ब्रेकआउट हुआ है और रिटेस्ट करके स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है, नॉर्मली चला जाता है, अगर नीचे भी आता है तो उसको यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिलेगा। तो दो रीजन है स्टॉक ऊपर जाने के, बहुत हाई चांस है, तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। और ये जो इसने वीक बनाया था, लो लास्ट लो बनाया था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का यहाँ पे सपोर्ट लेके उसका ऊपर गया है स्टॉक, तो इसके नीचे अगर क्लोज देता है वीकली तो आप इसमें से एग्जिट कर सकते हो। तो बाय सीएमपी, सीएमपी पे आपको बाय करना है, 2146-47 चल रहा है, 4300 का टारगेट रह गया है, एसएल एग्जिट वीकली क्लोज बिलो 1900, 1900 यानी कि ये जो कैंडल का लो था उसके नीचे वीकली क्लोज दे तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हो। रिस्क रहेगा 12% का रहेगा, रिवॉर्ड 100% का रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है 1:8 का, और टाइम पीरियड रहेगा वो 3 से 12 महीने का रहेगा। तो गाइज मैंने आपको दो स्टॉक बताए, नॉर्मली अपने 3 स्टॉक बताते हैं लेकिन आज मैंने बहुत ढूंढा लेकिन 2 ही स्टॉक मिल पा रहे थे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि तीसरा स्टॉक कहीं से भी मैच करके आपके लिए लेके आओ। तो 2 ही स्टॉक है, दोनों बहुत अच्छे स्टॉक है, आप अपने पोर्टफोलियो में लेके रख सकते हो, लेकिन गाइज ऐसा नहीं कि आपको एम्फोसिस पसंद है तो उसमें ही पूरे पैसे डाल दिए, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो तो इसमें थोड़ा 20% डालो, इसमें 20% डालो, उससे पहले भी स्टॉक दिए बाइंग लेवल से जो नीचे चल रहा है उसमें भी डालोगे तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा आ जाएगा। तो इसी तरह आपको गाइस पोर्टफोलियो बनाना है, कोई भी स्टॉक में पूरा पैसा मत डालो, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके डालोगे तो आपका पोर्टफोलियो अच्छे से परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि 1-2 में अगर स्टॉप लॉस भी हो गया लेकिन 1-2 मल्टीपल अगर साबित हो गए तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल ग्रीन में जाएगा, 30-40% का एवरेज रिटर्न आपको मिल पाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और गाइज अगर कुछ भी कमेंट हो तो, मतलब कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।